नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवेज। ट्रेवल मंत्रा में हम आपको अपने देश भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों और कुछ प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। हमारा देश भारत एक विशाल देश है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज का हमारा ये वीडियो नवरात्रि स्पेशल है और इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र के उन मंदिरों के बारे में जानकारी देंगे जहां पर नवरात्रि के दिनों में भक्तों का मेला लगा होता है। तुलजा भवानी मंदिर। सोलापुर के तुलजापुर में स्थित तुलजा मंदिर मां भवानी को समर्पित है। वह महाराष्ट्र के कई शाही परिवारों की कुल देवी हैं। महान राजा शिवाजी महाराज भी मां भवानी की पूजा करते थे। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर। कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर बहुत ही पुराना और वास्तुशिल्प रूप से समृद्ध है। मंदिर में महालक्ष्मी, महाकाली और सरस्वती की मूर्तियां हैं। वह कई महाराष्ट्रीय परिवारों की कुल देवी हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद बहुत सारे लोग इस मंदिर में दर्शन को आते हैं।
कालूबाई मंदिर। कालेश्वरी देवी कई महाराष्ट्रीय परिवारों की कुल देवी हैं। भक्त इन्हें प्यार से कालूबाई कहते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी में 10 दिनों की अवधि में वार्षिक कालूबाई यात्रा होती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। अम्बा देवी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह महाराष्ट्र के नागपुर से लगभग 155 किलोमीटर दूर अमरावती शहर के केंद्र में स्थित है। किंवदंती के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए रुक्मणी का अपहरण करने के बाद उनसे विवाह किया था। यह मंदिर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय है। एकवीरा देवी मंदिर। एकवीरा देवी माता रेणुका की अवतार हैं। कई मंदिरों में उन्हें माता रेणुका के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर लोनावाला के पास तारला गुफाओं के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने एक रात में किया था। एकवीरा देवी पांडवों की भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि मंदिर एक ही रात में बनना चाहिए। पांडवों ने एक ही रात में इस खूबसूरत मंदिर को बनाया था। तब एकवीरा देवी ने पांडवों को आशीर्वाद दिया था कि गुप्त वनवास के एक वर्ष के दौरान इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर मुंबई से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर ब्रजेश्वरी नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर ब्रजेश्वरी देवी को समर्पित है। नवरात्रा का पावन उत्सव यहां बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे 9 दिन माता की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है और बड़े मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ट्रैवल मंत्रा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।